हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होम रेमेडीज ब्यूटी। आई एम सना। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा रेमेडी जो आपके स्किन को एकदम ब्राइट कर देगा, आपके सन टैन को रिमूव कर देगा एंड आपके स्किन को बहुत, अगर आपकी स्किन डार्क है तो उसको लाइट कर देगा, पिंपल्स रिमूव कर देगा, डार्क स्पॉट रिमूव कर देगा और हाँ, आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट ग्लो करेगा। इसमें मैंने सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स ऐड किया, सिर्फ ओनली दो इन्ग्रीडियंट्स का ही ये रेमेडी है और आपकी स्किन को बहुत ही चमकदार बेदाग बना देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, देखते हैं क्या है वो रेमेडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ये कद्दूकस, मैंने पोटैटो कर लिया है, इसको पहले वॉश करके अच्छे से इसके कद्दूकस कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने इसे पूरा अच्छे से, आप देख सकते हैं, मैंने इसे कर लिया क्रशर से। तो इसमें हम नेक्स्ट ऐड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स का मैं बना रही हूँ। तो इसमें नेक्स्ट हम कर्ड ऐड करेंगे, ये दोनों हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो हम 2 स्पून हम कर्ड ऐड करेंगे। ये मैंने खुद जमाया है घर में, तो अभी फ्रेश है, ये पूरी तरीके से जमा नहीं है, लेकिन फिर भी ये काम हो जाएगा। तो इसे हम अच्छे से दोनों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये हमारा इसका मिक्सचर अच्छे से बन सके और इसका रिजल्ट कमाल का आ सके। तो इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। तो गाइस, रेमेडी रेडी है। इस रेमेडी में मैंने पोटैटो ऐड किया है, ये इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये इसमें नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती है जो आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच कर देता है। पोटैटो आप सब जानते हैं हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है, पोटैटो फेस पैक, पोटैटो फेशियल, पोटैटो फेस मास्क, बहुत ये आपकी स्किन के लिए बहुत 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 अच्छा है। इसमें मैंने सिर्फ 2 इन्ग्रीडियंट्स ऐड किया, कर्ड और पोटैटो ऐड किया है। तो ये 2 इन्ग्रीडियंट्स हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल है आप सब जानते हैं और ये हमारे स्किन के सन टैन को सबसे ज़्यादा इस समय सन टैन को रिमूव करता है क्योंकि इसमें नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। अगर आपकी स्किन पे सन टैन है, आप बाहर धूप में जा रहे हो तो आपकी स्किन पे सन टैन हो गया है, मेरी भी स्किन पे सन टैन हो गया, मेरे हैंड पे एंड मेरे फेस पे यहाँ पे हो चुका है। तो मैं इसे अभी यही यूज़ कर रही हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए। कल मैं कॉलेज गई थी तो मुझे सन टैन हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो अगर आपको सन टैन हो चुका है तो आप प्लीज पोटैटो का फेस पैक या फिर आप सिंपल पोटैटो को कट करके इसे स्क्रब कीजिए, रब कीजिए अच्छे से। रोज़ आपको करना है, आते के साथ आपको फेस धो के आपको ये काम करना है ताकि आपकी स्किन का सन टैन ईजिली रिमूव हो जाए। तो आज मैं ये फेस पैक आपको बता रही हूँ ताकि आपकी स्किन पर भी सन टैन है तो आप प्लीज इसको हटा लीजिए जल्दी, क्योंकि अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। तो मैं इसे इस पैक को पहले फेस बिल्कुल क्लीन कर लेना है, धो लेना है। तो मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है तो अब मैं इसे अप्लाई करूँगी। तो ये थोड़ा सा ये इस टाइप का है, मैंने इसको ब्रश किया था तो ये थोड़ा सा इस टाइप का। तो इसी तरीके से आपको फेस पे लगाना है, पहले तो स्क्रब करना है अच्छे से, मसाज करना है। तो इसमें कट भी है तो आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कट ज़रूर ऐड कीजिए। फाइव मिनट तक इसे मसाज कर लेना है अच्छे से, फिर इसके बाद इसे लगा कर छोड़ देना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से मसाज कर लिया 5 मिनट तक, अब इसे इसको लगा लें अच्छे से। तो ये जो भी है ये अच्छे से अपने फेस पे लगा लें, ये बहुत मुश्किल से लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रश किया हुआ है तो ये आपके फेस पे चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको चिपकाना है, अच्छे से लगाना है ताकि इसका जूस हमारे, इसका मेन है इसका जूस ही हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जूस में ही सब नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है, हमारे स्किन को, हमारे सन टैन को हटा देता है इजली। इस तरीके से मैंने अच्छे से इसका जूस में एब्जॉर्ब हो सके, इसको ऐसे प्रेस करना ताकि इसका जूस हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो। मसाज जितना हो सके आप कीजिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना हो सके कीजिए, क्योंकि पोटैटो से मसाज बहुत हमारे स्किन इनमें बहुत ग्लो आता है और सन टैन में ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कट ऐड है तो स्किन ग्लो भी होगा, तो अच्छे से इस तरीके से इसे अप्लाई कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से इसे अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे, तो अभी इसे सूखने दें 5 to 10 मिनट्स तक, जिसके बाद नॉर्मल हमारे इसे वॉश कर सकते हैं। तो मैं आपको वॉश करके दिखाऊंगी किसका रिजल्ट कैसा आया। तो गाइज, मैंने फेस वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से, तो मेरी स्किन पहले से थोड़ी सी लाइट हो चुकी है,
क्योंकि मैंने अभी मसाज किया था, 10 मिनट्स तक मैंने मसाज किया था, तो मेरी स्किन पहले से फ्रेश एंड बहुत ही ब्राइट लग रहा है। अब देख सकते हैं पहले में और अब में फ़र्क आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया है। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा सन टैन हो चुका था तो यहाँ पे मुझे कम लग रहा है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा मुझे पहले लग रहा था। तो इसे मैं अब तो रेगुलर यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे सन टैन हो गया है, तो मैं इसे रेगुलर यूज़ करूँगी ताकि ये 1 वीक में इसका रिजल्ट बेस्ट आ जाएगा। 1 वीक में मेरा टैन रिमूव हो जाएगा। अगर आपको भी टैन है तो आप ये रेमेडी जरूर ट्राई कीजिए। और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है क्योंकि इसमें कर्ड ऐड है, तो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज ग्लो करेगा। तो ये अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपकी स्किन पर टैन हो चुका है तो आप ये रेमेडी आप प्लीज़ उन लोगों के लिए ही है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और स्किन पर टैन हो चुका है, ताकि आपकी स्किन पर टैन भी रिमूव हो जाए और आपके जो कर्ड है आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, ड्राइनेस खत्म करता है, स्किन पे चमक लाता है, ग्लो लाता है। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड मेरी रेमेडी को अब तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये अच्छे अच्छे रेमेडी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके पास आते रहें। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, ऐसी अच्छी अच्छी रेमेडी लेकर आती रहूँगी। तब तक लिए बाय, टेक केयर, लव यू।